स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट NH बुकलेट क्वेश्चंस एंड दिस इज योर NH बुकलेट द चैप्टर पैरीमीटर एंड एरिया. ओके, इन दिस चैप्टर आई विल ऑल कंप्लीटेड क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 10 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज डायमीटर, आई थिंक. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट. द एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर एंड आर. So you know that concentric circle like this, you have to make. This is your concentric circle. It means जिसका दो circle हों और जिनका center क्या हो, same हो, like this. This is two circle, one and this is one circle and this is second circle. Suppose the radius of the smaller circle is r and the radius of outer circle is capital R. Okay? And you have to find out the area between two. तो area हम निकालना है तो हमें मालूम है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. बट देयर आर टू सर्कल्स तो बिगर का एरिया यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर और दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इनके बीच का एरिया निकालना है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, पाई इज कॉमन फ्रॉम बोथ दी एरियाज तो हमने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, now in this r square minus r square this is the identity a square minus b square, so we have to use the identity. और identity use करने के बाद हमें पता है a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. so r plus r in one bracket and r minus r in second bracket. so this is the solution और ये आपका part है c part. तो solution of this question is c, पाई आर प्लस आर इन वन ब्रैकेट एंड आर माइनस आर इन द सेकेंड ब्रैकेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स, 12 टू 19 दे आर फिल इन द ब्लैंक्स. सो इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. अच्छा, साइड दिया गया है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर. और यहाँ साइड कितनी दी गई है 13, तो 13 स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इज द एरिया. तो यहाँ पे यूनिट क्या लगेगी, 170 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ आंसर हो गया 169. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर. इट इज़ वेरी इजी, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं और अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है. आपको पैरीमीटर निकालना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो यू नो दैट कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो 3 इंटू साइड भी कर सकते हैं. सो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पैरीमीटर जो हम निकाल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15. तो 15 सेंटीमीटर इज़ द सोल्यूशन. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इफ़ इट्स ऑल्टीट्यूड इज 11 देन इट्स बेस. ओके, सो अगेन वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, दे ऑल आर वेरी इजी. देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फिगर बनाइए. इसमें ऑल्टीट्यूड दिया गया है विच इज़ 11, ये 11 दिया गया है और बेस आपसे पूछा गया है, बेस नहीं दिया गया है और एरिया भी दिया गया है. तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 330, 1/2 बेस, बेस आपको नहीं दिया गया है यहाँ पे, वो आपको निकालना है और हाइट आपको दी गई है 11. तो 11 वन ज़ा 11 और 11 थ्री ज़ा 33 और 30 बचा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू बी. तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 60. तो जो ब्रेथ है, सॉरी जो बेस है आपका इस ट्राइंगल में वो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर. तो यहाँ जो आंसर हो गया वो हो गया 60 सेंटीमीटर. दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ ट्राइंगल
इज़ 5 and 4.2 इट्स एरिया. बहुत ईजी है. देखिए एक ट्राइंगल है और जिसमें आपको इसका बेस भी दिया गया है. द बेस, ये देखिए बेस दिया गया है, वो है आपका 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो आपकी 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1/2, बेस है आपका 5 और हाइट है 4.2. और व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आप क्या भर देंगे, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. रेडियस दिया गया है, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं. और ये समझिए कि ये आपका सेमी सर्कल हो गया, लाइक दिस सेमी सर्कल. और रेडियस दिया गया है सर्कल का, यानी कि रेडियस दिया गया है सर्कल का. ये सर्कल है और सर्कल का रेडियस दिया गया है आर. सर्कल का रेडियस आर होता है. यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर. ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया एक्चुअल में एरिया ऑफ सर्कल होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का 2/2 कर देंगे. यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं. 22/7 हो जाएगा इनटू आर की वैल्यू, यहाँ पर 7 दी गई है तो 7 पाई आर स्क्वायर. तो 22/7 और ये 2 आपका, ये जो 2 है ये 2 हो गया इनटू 7. ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 11 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. तो आपका आंसर आएगा 77, क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया. अब वेरी इजी, साइड दिया गया है स्क्वायर की, आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं. 10 सेंटीमीटर दी गई है साइड और आपको एरिया निकालना है. तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर. तो साइड हम रख देंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100. सो आंसर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 100. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड. अब पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन आपको पता है कि कोई भी फिगर, एनी फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड फिगर. और यहाँ पे हमें रेगुलर पॉलीगन दिया गया. रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या हों, इक्वल हों. तो लेंथ ऑफ वन साइड इज मल्टीप्लाइड बाय, आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स. जितनी भी उस फिगर में साइड्स होंगी उसको हम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल फाइंड आउट दी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन. जैसे स्क्वायर है आपका, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, अगर हम उसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो 4 × साइड करते हैं. तो वैसे ही लेंथ वन साइड मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी उसकी साइड्स होंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2πr. और यहाँ पे किससे दिया गया है, डायमीटर ऑफ द सर्किल. डायमीटर को अगर हम रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2r, क्योंकि d से तो कैंसिल नहीं होगा, r कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या आया, पाई. ओके, सो द वैल्यू और वी कैन से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. True and false. If perimeter of 2 parallelograms are equal, then the area are also equal. It is not compulsory कि अगर आपका perimeter equal है तो आपका area भी equal होगा. ठीक है, तो
तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. नेक्स्ट है ऑल पैरलोग्राम्स हैविंग इक्वल एरियाज हैव सेम पैरीमीटर. देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर पैरलोग्राम का एरिया इक्वल है तो क्या सेम पैरीमीटर होगा? नहीं. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया अगर पैरीमीटर इक्वल है तो एरिया इक्वल नहीं होगा. तो वही चीज़ है आपका, इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा. नाउ इफ अ वायर इज बिन बेंड इन द शेप, सॉरी इफ अ वायर इज द शेप ऑफ स्क्वायर इज रीबेंड इन टू अ रेक्टेंगल देन द एरिया ऑफ बोथ शेप्स रिमेन सेम बट पैरीमीटर में वेरी. नहीं, बिल्कुल गलत है, ये अपोजिट है एक्चुअल में. अगर सेम वायर को रीबेंड किया गया है तो पैरीमीटर सेम होगा, एरिया सेम नहीं होगा. और यहाँ पे दिया गया है एरिया सेम होगा, पैरीमीटर सेम नहीं होगा, तो ये जस्ट अपोजिट दे दिया गया है. तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है, फॉल्स है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज 81 पाई आर स्क्वायर इज 162 पाई आर. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल यानी कि यहाँ पर तो उसका एरिया क्या होगा? सर्कमफेरेंस आपको मालूम है, सर्कमफेरेंस हुज एरिया इज 81 पाई आर स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. और यहाँ पे दिया गया है 81 पाई आर स्क्वायर. तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं आर की, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. सर्कमफेरेंस ये देखिए आर स्क्वायर से नहीं कैंसिल होगा. पाई द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 81 पाई स्क्वायर. अगर हम इसको कैपिटल आर मान लें, क्योंकि दोनों के ये मान लीजिए आपने कैपिटल आर स्क्वायर मान लिया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया. तो यहाँ बचा क्या? आर स्क्वायर. अगर हम आर निकालेंगे कैपिटल आर, तो ये अंडर रूट 81 आर स्क्वायर हो गया. और अंडर रूट 81 किसका होता है? 9 आर का होता है. तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी क्या आई? 9 आर. अब सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस अगर ऐसा होगा तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 162 पाई आर. तो चेक कर लेते हैं, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो 2 इंटू पाई इंटू 9 आर. ओके, तो 9 2 18 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 19 पाई आर. और जबकि यहाँ पे दी गई है 162 पाई आर. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो रॉन्ग. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे. दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एसर्शन रीजन के दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड रेडियस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज 2 पाई आर. तो ये सही है एकदम, यस. अगर रेडियस आर होगी तो सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा. 1760 मीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 2.8. तो हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर 1760 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 2, तो क्या होता है? 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर यानी कि 2.8. 7 4 28, तो ये 0.4 हो जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 0.4, तो 4 4 16 16, और 176. और एक डेसिमल लगा देंगे तो 170.6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1760 मीटर दिया गया है. तो इट मींस कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीज़न क्या है? फॉल्स है. तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एरिया कवर्ड विद द बाउंड्री ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. तो यस, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए. तो दिस इज करेक्ट. इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 12 मीटर देन इट्स एरिया इज 4452.16 मीटर स्क्वायर. तो एरिया जो है, एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर होता है. और 22/7 इंटू यहाँ पे दिया गया है 12 रेडियस, 12 इंटू 12. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हम यहाँ 3.14 भी रख सकते हैं, तो यू विल गेट 452.16 मीटर स्क्वायर. यस, बोथ आर करेक्ट. लेकिन
इसमें दिया गया है एरिया, और जो इसमें रिलेशन दिया गया है दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एरिया जो कवर करता है और यहाँ पे जो दोनों अलग अलग पार्ट करेक्ट हैं, बट अगर हम देखें कि जो रीज़न है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. तो आज के लिए आपका इतना ही है. सो यू हैव यू ऑल आर कम्प्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 25, एंड नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम NH booklet. Thank you.